फिर आ गए। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। नमस्कार दोस्तों, आलमबाग प्रॉपर्टी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि अभी तक एक महीने से हम कम वीडियो ला रहे थे क्योंकि खरमास चल रहा था और अब 14 तारीख से खरमास खत्म हो रहा है तो हमारे वीडियो आना शुरू हो गए हैं। उसी के उपलक्ष्य में पहला वीडियो जो हम ला रहे हैं आज, वो 700 स्क्वायर फीट का मकान है, डेढ़ मंजिल बना हुआ है और लोकेशन भी बहुत अच्छी है, हैमिल्टन स्कूल के पास पारा आवास विकास कॉलोनी में, वहीं पर ये मकान है। और इसका आपको दोनों तरफ से रास्ता मिल जाता है, कृष्णा नगर की तरफ से मिल जाएगा और कृष्णा नगर की तरफ से आएंगे जब हम तो जो LDA की बिल्डिंगें बनी है 19 मंजिला, उनके पीछे ये मकान पड़ते हैं। और अगर पारा की तरफ से आएंगे तो SBN स्कूल की तरफ से घूम के SBN स्कूल के सामने से रास्ता कटा हुआ है हैमिल्टन स्कूल के लिए, तो अंदर आने पर ये कॉलोनी में ये मकान है। तो आपको ले चलते हैं, आज ये मकान दिखाते हैं और ये मकान अफोर्डेबल प्राइस में है, आप सभी इसको अफोर्ड कर सकते हैं। इसका प्राइस इसलिए रखा गया है, अभी हम आपको लास्ट में इसका प्राइस बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। तो चलते हैं मकान के अंदर। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात। आलमबाग प्रॉपर्टी के दर्शकों द्वारा बहुमत के आधार पर चुने गए इस पूर्वमुखी 3 BHK मकान का निर्माण 800 स्क्वायर फीट में आलमबाग प्रॉपर्टी द्वारा स्वयं किया जा रहा, संगम विहार कॉलोनी आलमबाग के पास। तो दोस्तों चलिए मकान को अब देखते हैं। ये देखिए, ये पूर्वमुखी मकान है और इसमें आपको एलिवेशन में टाइल्स के वर्क के साथ साथ पेंट की जॉब भी मिल रही है और हल्का येलो कलर इस पे रखा गया है फ्रंट में और ब्राउन कलर की टाइल के साथ में, ब्राउन और येलो का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है और येलो कलर खुशी का प्रतीक होता है, इसको देखकर मन में प्रसन्नता आ जाती है। तो दोस्तों इसी तरह इसका एलिवेशन तैयार किया गया है और अब चलते हैं अंदर की तरफ, आपको दिखाते हैं। और ये सामने की रोड है दोस्तों, ये 20 फीट की रोड है और ये आपको पूरी बनाकर दी जाएगी। जो आपको पार्किंग मिल गई है, ये पार्किंग जो है लगभग 17 फीट की है और 3 फीट इसमें आपका जीना निकल जा रहा है, छोटी गाड़ी इसमें आराम से आपकी आ जाएगी। 14 फीट के आसपास आपको मिलता है गाड़ी खड़ी करने के लिए स्थान और यहीं पर आपको पोर्च में ही हम आपको एक वॉशरूम दे दे रहे हैं जो कि इंडियन स्टाइल में बना हुआ है और इसमें ऊपर तक टाइल्स लगा दी गई 6 फीट तक कि जिससे आपको सीलन की कोई समस्या ना हो। अंदर भी पीले रंग का प्रयोग किया गया है, पीला पेंट लगाया गया है और अंदर जब हम आते हैं लॉबी के एरिया में तो यहाँ हमने ग्रीन रंग का प्रयोग किया है। ग्रीन रंग जानते ही हैं आप कि शांति का प्रतीक होता है, इसको देखकर बहुत ही मन में शांति का भाव उत्पन्न होता है। बाकी अभी इसमें डिजाइन बनाई जा रही है। ये लॉबी का एरिया है आपका, ये 14x7 का है। ये आपका किचन का एरिया है, 10 फीट लंबा है और 6 फीट इसका चौड़ान है। एक गैलरी मिलती है आपको जिससे होकर, एक यहां पर आपको रूम मिल जाता है और ये एक छोटा रूम होगा आपका, स्टडी रूम के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं और ये आपका मास्टर बेडरूम। ये आपका मास्टर बेडरूम है, इसमें भी ग्रीन रंग ही रखा गया है। चौदह बाई आठ का ये भी है। और ये आपका OTS और यहीं पे आपको वॉश एरिया मिल जाता है, अब अपनी वॉशिंग मशीन ना लगे। और ये आपका लास्ट में
अटैच वॉशरूम जो कि वेस्टर्न स्टाइल में आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों नीचे आपको दो कमरे मिल रहे हैं, लॉबी मिल रही है और किचन मिल रहा है। और अब चलते हैं बाहर और अब आपको ऊपर ले चलते हैं, वो भी दिखाते हैं। ये आपका छोटा वाला कमरा है, ये आपका लॉबी का एरिया, फिर से हम बता दे रहे हैं आपको। और ये आपका स्टेयरकेस, इस पे ग्रेनाइट लगाई गई है। और ये आपका बालकनी और ये आपका रूम। दोस्तों ये आपका रूम है, पूरब फेस का मकान है। ये आपका ओपन एरिया है, वो पीछे जो दिख रही हैं वो एलडीए की बिल्डिंगें हैं। बहुत तगड़ा विकास यहाँ पे होने वाला है, अभी इसमें लोग रह नहीं रहे हैं। लगभग 20 से 25,000 की आबादी यहाँ पर अचानक बढ़ेगी और उसके अनुसार सुविधाएं भी बढ़ जाएंगी। दोस्तों अगर आप यहाँ पे प्लाट भी लेना चाहें तो भी मिल जाएगा, और 3,000 स्क्वायर फीट प्लाट है यहाँ पे हमारे पास, और उसका रेट हमने जो रखा है वो 1700 रुपये स्क्वायर फीट रखा है। तो आप उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं, अगर आप प्लाट भी लेना चाहें तो भी आप आ सकते हैं। बाकी चलिए इस मकान की प्राइस के बारे में बात कर ली जाए। पूरा मकान हमने आपको दिखा दिया है अब जो है, और इस मकान से जो कुछ मुख्य बातें रह जाती हैं वो भी हम आपको बता देते हैं छूट रही थी। दोस्तों ये आपका सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन जो है वो श्रृंगार नगर है, जो लगभग 3 से 7 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, और आलमबाग बस स्टॉप लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और 4 बार रेलवे स्टेशन यहाँ से लगभग 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। जो हरदोई बाईपास निकला है, आगरा एक्सप्रेसवे के लिए निकला है रोड, वहाँ से इस मकान की दूरी मात्र 2 किलोमीटर के आसपास होगी, 2 से 1.5 किलोमीटर। और अगर कृष्णा नगर तरफ से आप आते हैं तो लगभग 5 किलोमीटर कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन और कानपुर रोड भी 5 किलोमीटर ही पड़ेगी। तो और जो कृष्णा नगर से पारा की रोड जा रही है उसके ही है ये एलडीए कॉलोनी के, तो आपको मान लीजिए लेकिन घूमकर आपको जाना पड़ेगा तो एक बार। तो ये कन्वेंस की सुविधा आपको दोस्तों यहाँ पर हमेशा मिल जाती है, आप चाहे कृष्णा नगर की तरफ से हैं चाहे पारा की तरफ से हैं, कन्वेंस की सुविधा यहाँ पर हमेशा अवेलेबल रहेगी। अब आपको हम प्राइस बता देते हैं। दोस्तों देखिए हमारी अन्य साइटें हैं जैसे कि DRM ऑफिस के पीछे, वहाँ पर जमीन का रेट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर 700 स्क्वायर फीट का मकान लगभग 35 लाख का होता है। और कृष्णा नगर के वहाँ भी 40 के आसपास ही होते हैं इतने बड़े मकान डेवलपमेंट के जो होते हैं। और भी जो मेन रोड के आसपास की साइटें हैं यही 40 के आसपास का रेट है, लेकिन यहाँ पर हमने रेट बहुत ही कम रखा है, मात्र 28,50,000 रुपये। और ये भी दोस्तों निगोशिएबल है, आप आए और जो है देखें मकान पर। 2 मकान अभी तैयार हो गए हैं और मकान तैयार हो रहे हैं, और जो भी हो सकेगा जब आमने सामने बैठ कर बात होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा छूट देने की कोशिश की जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मुलाकात होगी नए वीडियो में। जय गुरु, किस तरह की बात की।